सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, दांत, खाज और खुजली एक गंभीर त्वचा रोग है और अगर समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लंबे समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। खासकर शरीर में जिन जगहों पर ज्यादा पसीना आता है उन जगहों के आसपास यह बहुत तेजी से फैलता है और बार बार होता ही रहता है। अक्सर यह देखा गया है कि दांत के ठीक हो जाने के बाद भी उसके दाग हमारे शरीर पर ही रह जाते हैं और साथ ही कई स्थितियों में दांत जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता तो इसकी वजह से एक्जिमा जैसी बीमारी होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। अगर कुछ घरेलू नुस्खों का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो दांत की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और साथ ही इसकी वजह से होने वाले दागों को भी आसानी से हटाया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से नुस्खे हैं जिनके इस्तेमाल से इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। 2 चम्मच ताजे एलोवेरा जेल में 1 चम्मच नींबू का रस और 1/2 चम्मच कपूर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद रोजाना इस मिश्रण को दांत वाली जगह पर लगा लें और 1 घंटे के लिए उसी जगह पर लगा रहने दें। उसके बाद इसे हल्के गर्म पानी से धो लें। 2 से 3 दिन लगातार ऐसा करते रहने पर आप देखेंगे कि दांत और खुजली की समस्या में काफी ज्यादा सुधार आ जाएगा। इसके अलावा नीम के इस्तेमाल से भी दांत की समस्या में बहुत तेजी से सुधार आता है। नीम के पत्तों को धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। उसके बाद सरसों के तेल के साथ मिलाकर इसकी चटनी बना लें और इस तैयार चटनी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रोजाना दांत व खुजली वाली जगह पर लगाएं। दोस्तों, यह नुस्खा इतना असरदार है कि शुरुआती स्टेज पर अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह केवल 2 से 3 बार में ही दांत को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके अलावा दांत ठीक हो जाने के बाद अगर त्वचा पर उसके दाग रह जाते हैं तो मुल्तानी मिट्टी में आलू और नींबू का रस मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को रोजाना दाग वाली जगह पर लगाएं। ऐसा लगातार करने से मात्र 2 से 3 दिन में ही दाग 50% तक हल्के हो जाते हैं। इसके अलावा नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से दांत के बाद होने वाले दाग तेजी से हल्के होने लगते हैं और साथ ही अरंडी का तेल भी दांत की वजह से होने वाले दागों को मिटाने में बहुत अधिक फायदेमंद होता है। रोजाना नहाने के पानी में नीम के पत्ते और अजवाइन डालकर स्नान करें क्योंकि ऐसा करने से यह इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ने से रोकता है। इसके साथ ही नहाते समय जिस जगह पर आपको शरीर में दाग हुआ है उस जगह पर साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर आपको बार दांत की समस्या होती रहती है तो ऐसी स्थिति में खानपान पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। खाली पेट ताजे एलोवेरा जेल या एलोवेरा के जूस का सेवन करें क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर में खून की सफाई होती है और एक बार ठीक हो जाने के बाद दांत दोबारा कभी नहीं होता है। दांत या किसी भी तरह का त्वचा रोग होने पर बहुत ज्यादा नमक, खटाई और मीठी चीजों का सेवन न करें क्योंकि इन सभी चीजों से यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। दांत, खाज, खुजली के अलावा अगर आप अपनी त्वचा से संबंधित किसी दूसरी बीमारी से परेशान हैं, तो त्वचा से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या और बीमारी के लिए हमारे चैनल में पहले से ही काफी वीडियो मौजूद है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।